नमस्कार, हमारा माटी पानी कार्यक्रम में आपको स्वागत है। जन कि आप जानदा कि ये कार्यक्रम का अंतर्गत हम उत्तराखंड की भाषा, संस्कृति, साहित्य से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत करदा। यही कड़ी में आज प्रस्तुत उत्तराखंड की लोक संस्कृति का पत्रोल प्रेम हिंदवाल। ये कार्यक्रम के तहत आज हम उत्तराखंड की सीमांत जनजाति का लोक संस्कृति का पुरोधा प्रेम हिंदवाल जी से बातचीत करला। प्रेम हिंदवाल जी, आपको हमारे माटी पानी कार्यक्रम में स्वागत है। आप जन की आप उत्तराखंड की लोक संस्कृति का और खासकर सीमांत जनजाति क्षेत्र की लोक संस्कृति का और तक का नृत्यों पर आपल बहुत काम करी और स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आपल सीमांत जनजाति क्षेत्र की लोक संस्कृति और नृत्यों तक प्रस्तुत करी तो और आज की तिथि में आप पूरा राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चित कलाकार छ। तो आप जरा हमारे दर्शकों तें अपना जन्म, गांव, निवास और बचपन की शिक्षा दीक्षा का बारे में बताओ। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेम हिंदवाल छ और मैं सीमांत क्षेत्र नीति घाटी फरकिया और जोशीमठ को मूल निवास छ और मेरी जन्मभूमि फरकिया ची और मेरी कर्मभूमि जोशीमठ छ और मैं निरंतर 30-32 साल बेटी अपना क्षेत्र की लोक संस्कृति, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा और आभूषण का संरक्षण के लिए का वास्ता मैं काम करना चाह सर और आभार प्रकट करता हूँ आपको कि आप लोगों ने मीते नहीं होती सारी। तो आप जन की मीते आपका बारे में जानकारी हुई कि आप पहली गाँव में अपना गाँव में पगडवाल और पंडों नृत्य प्रस्तुत कर रहा है, ढोल बजे के और तन नृत्यों ते आप सिखोना भी छाया और पौना नृत्य भी आप शादी विवाह का अवसर पर पौना नृत्य भी नचोना छाया। तो गौ का जो वाद्य यंत्र आप बजोन छे गौ में, गौ का कार्यक्रम बैठी और मंच तक को आपको सफर करने शुरू हुए, पहली बार मंच पर आप कब कार्यक्रम दिखे जरा ये बारे में आप। सर, हमारा गौ में ग्राम फरकिया में बहुत साल पहले बेटी बगडाल नृत्य का आयोजन निरंतर होता रहनु, आषाढ़, भादो और असूच का महीने में ये तीन टाइम में जरूर वक बगडाल नृत्य होने। तो सर 10-11 साल की उम्र में जब गांव में गए सर, तो गांव में मैंने देखी कि सर हमारे गांव का कई बुद्धिजीवी लोग, कई प्रतिष्ठावान लोग, स्वर्गीय श्री उमराव सिंह रावत जी और स्वर्गीय श्री शुक्र सिंह रावत जी, ये लोग सर गाँव में ये चीज़ों आयोजन करते रहो ना, तो एक प्रेरणा जगी सर मैं ये लोगों को देख कर कि यार हमारे बुजुर्ग आज ये लोक नृत्य पर काम करा, तो सर वकी पीठ भी एक जिज्ञासा सी जगी सर। तो मैं निरंतर फिर जब 11-12 साल गई वक तो हमारे मित्र थी जगमोहन जी, वो देख मैंने सर ढोल बजाना, तो मेरे भी एक मन में आया कि मैं भी सीखूँ ये वादक। तो फिर मैंने सर उनसे सीखी और मैं 13 साल उम्र बेटी फिर मैंने अपना गाँव में बगडवाल नृत्य की जो थी नृत्य करवाए, मैंने सर बगडवाल नृत्य करवाए। तो फिर मन में ही जागू कि यार हमारे गाँव में धूमपधार में प्रतियोगिता होनी सर लोक नृत्य, तो वह प्रतियोगिता में मैंने अपने गाँव की बच्चा इकट्ठा है और जो बगडवाल नृत्य थी वह को प्रस्तुति दिन मैंने वक, तो हम सर वक फर्स्ट आए। तो फिर वनी वनी कर सर ये सिलसिला जारी रही सर। अच्छा, तो यू मतलब आपको पहलू प्रदर्शन अपना गाँव की प्रतियोगिता में दुमफुधार में गमशाली में जो 15 अगस्त वन तख रहे मतलब। जी सर, पहलू प्रदर्शन सर। तो यही कड़ी में जब आप यू सिलसिला आगे बढ़े तो आप उन्हें सबसे पहली बार जो चीज भैर जानो को मौका कब मिली भैर का मंचों में? हाँ सर, मैं तैयार थी कि 1996 में जब मैं गाँव बेटी, हम लोग 6 महीना तो अपने गाँव में रहो ना और 6 महीने जोशीमठ आ जाना, तो जब मैं जोशीमठ आए सर तो तब मिते एक रेवार आए सर कि आप लोग जो ची फरकिया को जो बगडवाल नृत्य ची ये देहरादून में होने ची। तो सर बहुत खुशी हुई सर, क्योंकि सर हम लोग तो सुदूर क्षेत्र एकदम चाइना बॉर्डर लोग ची, तो देहरादून उस समय पर बहुत बड़ी बात होनी थी सर कि मैं देहरादून जा रहा हूँ जी। तो
फिर मैंने कहा जी जी सर बिल्कुल हम करेंगे, हम कल ये प्रोग्राम थे। तो उन लोगों को बोले ठीक ठीक सर कि बस आप आओ और बच्चों को इकट्ठा करा और आप देहरादून में आओ। तो पर्वतीय सांस्कृतिक विकास समिति उन लोगों ने हमके हम तय पहली मौका जाए यख प्रोग्राम करो। तो हमारी पूरी टीम आई सर, हम लोग लासपा पौना और बगडवाल ने की यख प्रस्तुति देनी। तो बहुत खुशी हुई सर वह समय पर एकदम भाई यख प्लेन ची हम लोग पहाड़ ची तो ये कह चौक जो है सर वह देख के मैं बहुत खुशी हुई। और जो हमारी व्यवस्था थे सर अच्छी क्वालिटी व्यवस्था थे और हमारे ओन जान और थोड़ा बहुत पैसा भी मिला सर। तो ये चीज़ लागू की यार कि हाँ अब मैं ये लाइन में जान चाहिए। तो बस ये तकीबित प्रेरणा मिली सर। अच्छा तो जन माना पहली प्रस्तुति तो ते का बाद आप जो अभी तक कख कख के मंचों पर आप यन नृत्यों की प्रस्तुति दिखे चुके ये बारे में थोड़ा आप बताओ सर। वह के बाद हम श्रीनगर बैकुंठ चतुर्दशी मेला में अभी आमंत्रित गए। वह के बाद सर धीरे 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 कह के लोग जब लोग देखी कि यार हाँ ये नृत्य हमारे पहाड़ क्षेत्र का जी तो फिर आमंत्रित आते ले रहे सर। तो बाद फिर विरासत में हमारे प्रोग्राम हुए। फिर सर 2002 में हम लोग संस्कृत विभाग भी जुड़ा। वह बार सर ज़्यादा टीम नहीं था वह संस्कृत विभाग में बहुत कम टीम थे सर। क्योंकि सर हम लोग की एक अपनी विशेषता ये था कि हमारे जो नृत्य हमारा मेन जो नृत्य था वो हमारा ढोल दमाव पर आधारित थी और वेशभूषा पर आधारित थी। तो एक चीज जो एक जो हम प्रस्तुतिकरण देना सर वो एक बिल्कुल ओरिजिनलिटी प्रस्तुतिकरण देना। तो ये चीज़ लोग धीरे 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 करके लोग समझ में आए और फिर हमारी सर हम बुलाउन उन लोगों ने उचित समझी। तो संस्कृत विभाग भी जुड़ते रहे। तो संस्कृत विभाग भी हमें कई स्टेट राज्यों में भेजी। तो वह नहीं कहे सर हम लोग जो ची कॉमनवेल्थ गेम में हुआ है और संस्कृत विभाग सर आज हम लोग होते हैं जब भी संस्कृत विभाग हो जो भी VIP प्रोग्राम होनी जन महामहिम राष्ट्रपति जी अगर उत्तराखंड महागन में होनी या फिर महामहिम राज्यपाल होना तो उन लोगों का सामने हमारे पौना नृत्य को जरूर रखना वो लोग। तो निवेदन के साथ हमारा ये सिलसिला अभी जारी है। आपल जो लोक में जो हमारा गांव में जो नृत्य हुआ ना ये नृत्य थे जब आप मंच पर ले आया तो आपल के क्या परिवर्तन करिए में क्या क्या काम करिए में मतलब कनके आपल ये मंचीय प्रस्तुति तैयार करी इतनी खूबसूरत सी जरा ये बारे में आप बताओ। सर बगडवाल नृत्य हमारा उत्तराखंड में अधिकांश गाँव में हुआ सर और हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा ये सोचा क्योंकि बगडवाल देवता हमारे सर पितृदेवता का स्वरूप था और हम सर उनकी पूजा भी कर। तो सर हमारे फरके गांव की जो विशेषता थी सर वो यूँ थी कि बगडवाल नृत्य एक जैसे नाचन सर हम लोग मतलब जो फर्स्ट में नाच लूँ सो लास्ट वो चाहे पीछे ने भी जो हुआ लूँ सो एक चारों नाचन सर। जब हम खाली बगडवाल नाचते थे तो बीच में जब शिवजी पार्वती होना बीच में जब भुडारा होना फिर लाटा लाठी होना तो वैसे सर कि जो बगडवाल देव तो एक नृत्य रूप थे वो थोड़ा सा टाइम भी बढ़ो और तेमा सुंदरीकरण भी होएगा। तो तब मैंने मेरे दिमाग में बात है कि यार मैंने कहा बड़े भाई हमारा कंद से तो मैंने उनका जो वो थीम थी उसको सर मैंने मंच पर उतारी सर। तो वो आज थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रही वो नृत्य सर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल से जुड़ने को आपको क्या अनुभव रहे और क्या क्या आपल तक काम करी आपल की तो क्या क्या योगदान देनी ये बारे में थोड़ा सा आप बताओ। सर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जब हम जुड़ा सर तब हम लागू कि हम असली लोक कलाकार थे सर। क्योंकि वो लोग सर हम तय और जानो एसी थर्ड टिकट देना तो बहुत गौरव महसूस होने सर कि हम एसी में जा रहे हैं। तो वहाँ वक्त उन लोगों को जो ची खान पीन रोन और मान दे बहुत अच्छा मान दे सर वो लोग हमें मतलब 950 रुपया एक दिन खाना का वास देना सर और 800 कुछ रुपया स्टेज परफॉर्मेंस। तो कम से कम सर एक कलाकार 4-5 हज़ार रुपये मिल जाना सर। तो वैसे सर रोज़गार भी चाहूँगा और वहाँ पर तो वक्त में जो लोग थे सर बहुत बढ़िया अच्छा है वो लोग उन लोगों ने हमेशा हमारे सहयोग करी। और जब मैं सर मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में देखी तो वो हर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में जितनी लोग थी चाहे उन लोग तो सर वक्त मकान बने प्रारूप शिल्प प्रारूप जो मतलब अगर आसामों थी आसाम में जो जनजाति थी वो लोगों भी बने जो सिक्किम जनजाति थी वो लोगों भी बने जो। तो मैंने सोची यार मैंने बिल सब जनजाति मकान थे तो भाई क्यों ना हमारे क्षेत्र की भी एक मकान बन जाए।
फिर मैं सर मैं ये बात लेकर श्री विकास भट्ट साहब को निदेशक साहब को गई और प्रपोजल दी मैंने। मैंने कहा सर हमारी भी एक मकान वक्फ होना चाहिए। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बात थी, आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, अच्छी बात थी इंचा वक्त। तब हमारा एक अधिकारी थे सर श्री आर एम नयाल साहब, राकेश मोहन नयाल साहब, तो उधर भी बात हुई तो उन्होंने सर हम उधर भेजे वो क्षेत्र में। तो मेरे विचार थे सर कि गमसाली में जो हमारी जो पूर्व हमारे मंत्री थे श्री केदार सिंह फोना जी वो को मकान थे सर वो बहुत बढ़िया। तो मेरे विचार थे सर वो मकान पर आरोप वक्फ बनाओ, लेकिन सर बीच में थोड़ा सा रास्ता अविरुद्ध हुए होने कारण हम वक्फ नहीं जा पाए। तो मलारी माँ एक मकान देखे मैंने, वो मकान ने फोटो खींची और वो एक प्रारूप अभी संग्रहालय में बने सर 2012-13 में बनाए हम लोग वक्फ। तो वो नौ छ सर भोटिया हाउस। अच्छा। तो आज तो बहुत लोग पसंद कर तू तय हाउस हूँ। तो उन लोग फिर 2012-13 में सम्मान भी देनी वह बनौना वास्ता और निरंतर सर हम 2009 से आज तक उन लोगों का निर्देशानुसार हम लोग कार्य करना। और बड़ी खुशी बनी सर जब वक्फ भी फोन है जानी कि भाई वहाँ तुम्हारा प्रोग्राम है आप वक्त तक चले जाओ। तो ये सर ये बहुत अच्छी लगनी हमें, जब भी हम जाना सर हम वकीर हो ना, हम बोले नहीं हमें होटल नहीं चाहे नहीं चाहिए हम वकीर वाला हमें वही हमारी व्यवस्था करा। अच्छा। तो वही मकान पर हम रहो ना सर, बहुत खुशी बनी सर हमें। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात थी। आपको भवन शिल्प आपल भवन शिल्प भी संरक्षित करी जी सर जी, और वो आपल संग्रहालय में मतलब एक प्रारूप हड़ो करी जी सर। अच्छा प्रेम जी, आपन ढोल को प्रस्तुति तो आप करने च, लेकिन एक साथ साथ आपल ढोल पर कुछ काम भी करी, तो सु काम आपल के तरह को काम छ सो और आपल कनके करी सो के तरफ भयो आपल आपनी मदद केल करी, ते के बारे में थोड़ा सा आप हमारा दर्शकों ते बताओ। सर ढोल उत्तराखंड को बहुत ही उपयोग वाद्यंत्र सर, जो कि सर सदियों से चले और चाहे कोई भी नृत्य हो, चाहे देवी कार्य हो, चाहे नंदराज जात हो, चाहे कोई भी नृत्य हो सर, ढोल को बिना सब चीज़ अधूरा सर। लेकिन सर दुर्भाग्य यूज ढोलो कि आज ढोल उत्तराखंड में सर कुष्ठ रोग की तरह हुआ है जय को छोड़ने चांद सर। अब कारण क्या सर ये तो मैं बता नहीं सकना, लेकिन दिमाग में यूँ रहनी सर कि यार जब ढोल हमारा हर काम माच जीण से लेकर मन तक, तो ये कि उपयोगिता आज क्यों ये सोच। तो फिर सर क्या हुआ कि जब भारत सरकार की योजना चली 2006 में 7 में 8 में नॉर्जून कल्चर सेंटर बेटी मैं ये ढोल पर कार्यशाला वास्ता मिलूँ, तो फिर मैंने सर अपना जो हमारा कलाकार थी सारा कलाकार एक्सपर्ट सर बहुत बढ़िया और मिलनसार, तो मैंने सर उन लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा क्या कि भाई ये योजना चाहिए और हम सिखाऊँ। तो 3 साल सर मैंने अपने गाँव में अब जोशीमठ में 20-30 लड़कों को तैयार करे और ढोल कोई सिखाने उन लोगों को सिखाए भी और वो लोग आए भी और सीखे भी और आज सर वो कई मंचों पर काम भी करना। वह के बाद सर संस्कृत विभाग भी 2010 में गुरु शिष्य परम्परा हम चलाए और तो ढोल प्लस नृत्य मैंने अपने गाँव में सब लोगों को सिखाए। आज सब लोग सर काम भी करना और मंचों पर काफ़ी मंचों पर वो लड़कन काम भी करना और बस यही प्रयास थी कि सर ये ढोल बच जाए सर कहीं भी तरीका से। हाँ प्रेम जी, आप क्या सोचते ये बारे में कि जन माना ये सब का बावजूद आप जन लोग यक्की कला संस्कृति से आगे बढ़ोना बहुत सारा कलाकार और भी चे, ये के बावजूद आज ढोल पर या हमारा नृत्यों पर काफ़ी संकट से गुजरना ये और धीरे धीरे नई पीढ़ी ये माँ कम इंटरेस्ट रुचि लियोनी, तो आप क्या सोचा था ये बारे में कि हमारा ढोल हमारा लोक नृत्य लोकगीत कने के बचूँ और कने के आगे बढ़ूँ, ये बारे में आपको क्या विचार है? सबसे पहले सर कि मैं तो ये चाहता हूँ कि जित के भी ढोल वादक जी या मंच पर ढोल प्रस्तुति कर देना उन लोगों को सर मान दे एक राष्ट्रीय स्तर को होना चाहिए सर। जब आप राष्ट्रीय स्तर मान दे देला और एक सम्मान दे लो ढोल वादक होते तभी वो बच पा लो सर। क्योंकि आज सर मैं जब देख लूँ आज हमारे उत्तराखंड में हमारे गवर्नमेंट सर बहुत अच्छा पैसा देनी मेला का वास्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम वास्ता, लेकिन सर क्या चाहिए कि यू पैसा जो ची जो आयोजन समिति या पैसे से जो मंच पर प्रस्तुतिकरण देने चाहिए दर्शकों को सु दे नहीं सकन सर। सो क्या होने का कि सर मेन बात ये कि जो आयोजन समिति के मेंबर थी उन लोगों को थोड़ा ज्ञान नहीं होने सर संस्कृति,
उन्हार जो ये होचे कि बस एक नाइट इनका, एक नाइट उनका, एक नाइट उनका, और सब लोगों को एक एक नाइट दी गए और प्रोग्राम करो और ख़त्म ना। सर हम सोचने पालू कि आज जो हम मान लो सर कि आप देहरादून में एक कखी भी मिलो होना 50 लाख रुपए आ गया, सरकार दे रही है सर, अच्छा पैसे दे रहे हैं सरकार, कोई बुराई नहीं, लेकिन हम जो आयोजन समिति में मर्चे हम सोचने पालू सर कि हमने जो आज जो आने वाली पीढ़ी ची तनारे सामने हमने प्रस्तुतिकरण क्या दियन जो तनार दिमाग में बैठो कि ये हमारी लोक संस्कृति थी, लेकिन सर इन तो वन नहीं, बस 3-4 प्रोग्राम हुए जब जो आए हमेशा ही नौ तो सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेकिन वन नहीं सर। आज सर सर बुरु न माने को, लेकिन सच्चाई बन एक बहुत बड़ी बात थी। आज सर जो पाश्चात्य वाद्यंत्र थी जनबुन सर एक यति का चौड़ चौड़ टाइप अच्छी अतः बजाओ तो बहुत पैड 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 कीबोर्ड या नची चीज सर से, तो वो 3 घंटों को एक लोग गायक 3 से 5 हज़ार रुपया उतर देना सर, जबकि सर वो हमारा वाद्य यंत्र नहीं। अच्छा पैड पैड बजाओ पैड जी सर, सीधा 3 से जो 5 हज़ार चीज उतर देना, और जो एक ढोल वादक थी सर उनको मान दे 400, तो क्या सर क्या बच जाली ढोल वाद नहीं बच सकते, क्योंकि जब तक एक राष्ट्रीय स्तर को मानदेय नहीं मिली होता एक भाई हम तो ही बने सर कि आप ऊँते 3 ना 6 हज़ार दो 10 दो, अच्छी बात है काम कर करा सब, हम नहीं बन सर कि उनको प्रस्तुतिकरण न जाओ, लेकिन उनारो जो चीज मानदेय दुगुण कह जाओ, लेकिन जो ढोल बात ये तो कम से कम 3 दे जाओ। और सबसे बड़ी बात थी सर कि आज आप ये मंच के माध्यम से अपना जितका भी लोक गायक थी, हमारे जो बड़े बड़े लोग आए थे उन लोगों से मैं सर निवेदन कर दूं कि आप लोग अपना मंच लाइव शो में कम से कम एक गीत ढोल दगड़ी गाओ, ताकि आप लोगों पर जो लोक गायक की तबका थी यू बने रहो। अब सर आप लोग जो चे काम करना चाहिए पर कि भाई हाँ वास्तविक में हम गए, क्योंकि चिंता तो करना साहब से यानी कि चिंता नहीं करना, वो ढोल पर सर बहुत बड़े अच्छा अच्छा गीत गाए हुए लोगों ने और काम भी करना अच्छा लगे सर हम, लेकिन मंच प्रस्तुति भी होना बहुत जरूरी है सर ढोल पर, ताकि एक संदेश चले जाओ, क्योंकि सर बड़े बड़े गायक थे ये लोग विदेश जाना और राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल पर काम करना हमें तो बहुत गर्व है सर, लेकिन अगर ये लोग एक बार ये मीन लोग जो ढोल दमाओ थी ये पर गाला तो सर एक अच्छा संदेश चले जा लो कि तो हम ये चाहें सर। अच्छा आप जो काफ़ी पूरा देश में काफ़ी जगह जगह बड़ा बड़ा मंचों पर प्रस्तुति करी और अभी हाल में आप पिछला साल शायद राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में भी अपनी प्रस्तुति दीनी, तो ते अनुभव थोड़ा आप हमारे दर्शकों से बता कि छत्तीसगढ़ में आपको क्या रहे कार्यक्रम को क्या अनुभव रहे। सर हमारो सौभाग्य थी कि हम प्रतियोगिता में गई, आज नहीं पता चलो सर मैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य की प्रतियोगिता होना, तो पता चलो ज्ञात हुई तो फिर आवेदन करी ऑनलाइन भेजी जो उन लोगों प्रोसीजर थे, तो एक बात सर जब लास्ट में फाइनल हुए कि भाई आप ने ऑन ची आप लोगों की टीम जो थी आमंत्रित करना हम लोग, तो जब सर हम लोग वक गई तो हम जब दिल्ली ट्रेन में बैठा सर तो वो कोई इंस्पेक्टर मैडम थे गुप्ता नौ तो मैं बिछ रहे हूँ, लेकिन वो फ़ोन आए सर में थे कि भाई आप लोग ट्रेन में बैठा थी और कोई भी दिक्कत वाली तो ये मैं मेरे फ़ोन थी और मैं थे आप सूचित करे और मैं इंस्पेक्टर थी, तो सर बड़े मनोबल हुए बढ़ हुआ को कि यार हाँ हम तो पुलिस प्रशासन चाहो, तो सुबह जब हम 10-11 बजे सर छत्तीसगढ़ पहुँचा तो उनकी पूरी टीम पुलिस विभाग है और जो जितने लोग ड्यूटी सर हमारे उत्तराखंड दिख थे वो लोग सर पुष्पगुच्छ गुच्छ पकड़ के और हम लोगों को स्वागत है वास्ता प्लेटफॉर्म पर है, तो सर हमारा जो मनोबल एकदम हाई हुए सर कि भाई इतनी इज्जत इतनी सम्मान, तो मैं मन में लग था भाई कि हमें कुछ कण, अब मैं तो यूँ सोच रहा था सर कि हम चौथा नंबर पर रोला पारितोषित भी 25,000 रुपये था सर वक, तो मैं तो यूँ सोच रहा था यदि 27 राज्य थे सर तो 27वां भी अगर चौथा नंबर पर रोल तो बहुत बड़ी बात है सर अपने आप को। अब सर यूँ सिलसिला जब जारी है तो वो लोग तक भी हमको होटल में लिएगा, होटल दिए मैंने सर कि यदि 5 स्टार जा रहे होटल, तो सर मतलब और भी ज़्यादा से सुख हुए सर,
वे के बाद सर उन लोग जति लोग जो हमारे ड्यूटी है इतना अच्छा व्यवहार उन लोगों को, और ये जब देखे हमें सर पूरी सिस्टम सब फोन पर ही पूरी जानकारी कि कब आप प्रोग्राम थी कत बजे होलू और क्या होलू और बाकी डिटेल तो सर हमारे पहले दिन ही थे। तो सब लोगों से मेहनत देखे क्या सर हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई। फिर मैंने सर सब कलाकारों का ठगा, मैंने कहा भाई देखो ये तो अच्छी व्यवस्था होएगी, सब चीज़ होएगी, वेलकम हमारे बढ़िया होएगा, बस सब लोग आप 100% जा और एक बार भाई जज साहब आत्मा ची चाहे हम फर्स्ट वाला सेकंड वाला थर्ड वाला, पर हम सर जमन में बोलो कि हम चौथा पाँचवा भी रन थे तो अपने आप बहुत बड़ी बात समझन थे। तो सर वो 27 राज्य की टीम आई थे और 6 विदेशी लोग थे, तो विदेशी लोग तो सर कंपटीशन में नहीं थे, प्रतियोगिता में नहीं थे, ऐसी लोग सिर्फ अपने प्रदर्शन से। तो सर जनी एक दो तीन दिन हुए तो हमारे जो बगडवाल नृत्य है, तो बगडवाल नृत्य की जो हमारी प्रस्तुति हुई सर, तो हमारे वेशभूषा, हमारा वाद्य यंत्र, हमारा ज्वेलरी, हमारे नृत्य, वो एक सर पूर्व पैकेज जो हमने मंच पर प्रदर्शन किया और जो हमारे कलाकार थे सर एकदम मतलब परफेक्ट कलाकार वाली इतनी बढ़िया नृत्य है कि वो एक बार जो हमें कमेंट्स मिला जनता बेटी जज बेटी, तो थोड़ा सा सर लागो कि हम हाँ हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ ना कुछ पोजिशन पर वाला। अब कह सर प्रोग्राम तो पूरे भारत वर्षों थे अच्छा चलो है प्रोग्राम बिटाया, तो जन सर लास्ट में मैं फोन आया कि भाई आप लोग मंच के पीछे आ जाओ, आप लोग किसी इवेंट में हो। तो बहुत खुशी हुई सर, मैंने कहा ओ किसी इवेंट में है, यानी कि उत्तराखंड को इनाम मिलेगा। तो सर फिर जर्नी की सर तनिल कर्म संख्या बढ़ाई, अब पहली कर्म संख्या फर्स्ट इनाम बढ़ाएं तनिल एक टीम अग्निवीर धौरी, फिर दूसरी टीम, फिर तीसरी टीम, फिर चौथी टीम हम सबसे लास्ट में। लेकिन सर मेरे दिमाग से है कि लास्ट में ओ सांत्वन पुरस्कार, मेरे दिमाग में ये चौंक है कि हम लास्ट में आ जाए सांत्वन पुरस्कार। लेकिन सर जब फर्स्ट वाला सांत्वन पुरस्कार मिलूँ और दूसरा वाला जब दूसरे पुरस्कार मिलूँ और तीसरा चौथा पर, तब मैं समझूँ कि हम जो अच्छी फर्स्ट पोजिशन पर थे। तो सर बगडाल देवता की कृपा रही और हम लोग वक्त फर्स्ट पोजिशन हमने प्राप्त करी लोक नृत्य में, और हम लोग तो सर 5 लाख रुपये इनाम देनी। और सर ये उत्तराखंड इतिहास में पहली बार यह हुई कि कोई टीम सर नेशनल जीत के लिए आई उत्तराखंड वास्ता। तो मैं सर उन कलाकार और जिन लोगों ने आयोजन करी उनको धन्यवाद करूँ सर वहाँ सर, क्योंकि सर वो सरकार चाहे सर कह के भी रहो पर अच्छा काम होना चाहिए, वो के बाद सर चाहे राज्य हो चाहे देश हो विकास तो होनी क्या होनी, लेकिन उन लोगों ने अच्छा काम किए और अच्छे आयोजन थे और भविष्य में कभी हो लो तो जरूर हम जान चल सर वक्त, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वो आगे शायद अंतर्राष्ट्रीय नृत्य सर वे के बाद सर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता मतलब नृत्य महोत्सव होने से सर, तो यू 21 मार्च को होने थे सर, लेकिन ये कोरोना को जैसे लॉकडाउन हो जैसे वो प्रोग्राम सर पिछने हुएगा, लेकिन क्या पता भविष्य में होलो प्रोग्राम। तो हमारा सौभाग्य था सर कि हम अपने देश और प्रतिनिधित्व को मौका मिलना था वो, तो सर अभी पिछने कभी भी बोलूँ तो वो लोग लेटर चिट्ठी अखबार कटिंग सब आए हम तक कि भाई आप लोग वहाँ जीते हो उस बेस पर आपको भारत को प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो सर बड़ी खुशी हुई, तो मैंने अपने कलाकार भी बोली कि भाई हम लोग अब भाई भारत को प्रतिनिधित्व करना, तो बड़ी खुशी हुई सर। तो वैसे कि पूरी तैयारी अभी चाहूँगा सर, थोड़ा सा हम लोगों के पास सर ज्वेलरी नहीं है सर, तो हम जो सर अभी अपने महाराज जी बेटी जो हमारे सतपाल महाराज जी हमारे संस्कृति मंत्री उनसे हम रिक्वेस्ट कर कि साहब हमको कुछ सहायता दो ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्तराखंड लोक संस्कृति की छाप छोड़ें। चलो बहुत बढ़िया प्रेम हिंदवाल जी, आप हमारा स्टूडियो में आया और आप बहुत बेशकीमती जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा से कि आपते यू कार्यक्रम अच्छा लगी बोलूँ, यही प्रकार का अन्य कार्यक्रम लेते हम भविष्य में आपका सामने फिर उपस्थित होला, तब तक हम ते इजाज़त दिया, धन्यवाद, नमस्कार।